मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर रीवा की एक हजाम यानी कि नाई की दुकान से आईपीएल की चकाचौंध तक का सफर। कहानी फिल्मी जरूर लगती है लेकिन यह है 100% सही और यह कहानी है राजस्थान रॉयल्स की टीम के नए रॉयल तेज गेंदबाज कुलदीप सेन की। कुलदीप सेन जिनके पिता मध्य प्रदेश के रीवा में नाई की दुकान चलाते हैं, गरीब परिवार है, परिवार में 5-5 बच्चे हैं, लेकिन इसके बावजूद परिवार का एक बच्चा कहता है कि वो हजाम नहीं बनेगा, वो हाथों में कैंची और कंघी नहीं पकड़ेगा, लोगों के बाल नहीं काटेगा क्योंकि उसे क्रिकेट खेलना है, कुछ अलग करना है। पिता नहीं मानते हैं लेकिन संघर्ष की ये दास्तां यहीं खत्म नहीं होती है। तमाम हालात से लड़कर ना सिर्फ कुलदीप अपना मकसद पूरा करते हैं बल्कि साथ ही साथ देश के लिए खेलने के सपने की ओर एक कदम आगे बढ़ा देते हैं, आईपीएल तक पहुंच जाते हैं और फिर राजस्थान रॉयल्स के लिए अपने डेब्यू मैच में ही कमाल भी कर जाते हैं। तो कुलदीप हैं कमाल के क्योंकि ऐसी है उनकी ये शानदार कहानी। तो आपको हम दिखाने जा रहे हैं कुलदीप सेन की अनसुनी कहानी। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की जीत में सबसे बड़ा रोल निभाकर भले ही कुलदीप सेन अपने पहले ही आईपीएल मैच में क्रिकेट फैंस के लिए रातों रात स्टार और कौतूहल का विषय बन चुके हों, लेकिन कुलदीप को जानने वाले जानते हैं कि आईपीएल की चकाचौंध का मंच हासिल करने के लिए जिस संघर्ष का कुलदीप ने बरसों सामना किया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। क्योंकि कुलदीप की कहानी तो शुरू होती है मध्य प्रदेश के रीवा के एक छोटे से सैलून से। कुलदीप के पिता रामपाल सेन पेशे से नाई हैं, यानी लोगों की हजामत से ही कुलदीप के परिवार का घर चलता था, यानी लोगों की हजामत से ही कुलदीप के परिवार का भरण पोषण होता था। 5 बच्चों में कुलदीप तीसरे नंबर पर आते हैं और 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। माँ बाप को दोस्तों के घर पर पढ़ाई का बहाना बताकर कुलदीप घर से निकलते थे और इलाके के मैदान में जाकर क्रिकेट खेला करते थे और कुलदीप की चुपके चुपके क्रिकेट खेलने की आदत कब जुनून बन गई पता ही नहीं लगा। इधर छोटी सी दुकान से पिता को जितनी भी कमाई होती वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में ही खर्च हो जाती। नवी क्लास आते आते कुलदीप ने भी पिता से साफ साफ कह दिया था कि वो हाथ में कंघी और कैंची लेकर लोगों की हजामत नहीं करना चाहते बल्कि क्रिकेट खेलकर परिवार के लिए कुछ खास करना चाहते हैं। बच्चे की जिद के आगे पिता ने भी हामी भरी और कुलदीप को क्रिकेट की कोचिंग के लिए एडमिशन दिलवा दिया, लेकिन गरीबी के हालात में बेटे की क्रिकेट कोचिंग और दूसरे खर्चे पिता के लिए किसी जबरदस्ती के खर्चे से कम नहीं थे। पिता के संघर्ष को देख कुलदीप और भी मेहनत करते। एकेडमी में देर तक प्रैक्टिस करना, समय से एकेडमी पहुंचना उनकी आदत में शुमार रहा। उनकी लगन के बीच क्रिकेट एकेडमी को घर की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिली तो कुलदीप की फीस माफ कर दी गई। इधर कुलदीप का खेल बेहतर होता देख पिता ने भी ठान लिया कि चाहे भूखा ही सोना पड़े बेटे को क्रिकेट के लिए कभी भी ना नहीं कहेंगे। पहले सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम में कुलदीप का सिलेक्शन हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुलदीप के पिता रामपाल के पास आज भी मोबाइल फोन नहीं है और बेटे की टीम में सिलेक्शन की खबर उन्हें तब पता चली जब पत्नी ने उन्हें सिंगरौली जा रहे बेटे को जेब खर्च देने के लिए 500 रुपए मांगे। समय के साथ कुलदीप की बॉलिंग और धारदार हो गई। डिविजनल मुकाबलों में जबरदस्त प्रदर्शन का इनाम उन्हें नवम्बर 2018 में मध्य प्रदेश की रणजी टीम में जगह के साथ मिला। लोग कहते थे कि एक अनजान सा गेंदबाज है, जानते तो नहीं लेकिन इतना पता है कि 140 की रफ्तार से गेंदबाजी करता है। मध्य प्रदेश टीम का हिस्सा रहते हुए कुलदीप ने एक बार मुंबई के खिलाफ 5 विकेट लेकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। कुलदीप रणजी ट्रॉफी करियर में खेले 14 मुकाबलों में अब तक 43 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। ये वो दौर था जब क्रिकेट ने कुलदीप सेन और उनके परिवार की जिंदगी काफी हद तक बदल दी थी, लेकिन अब सभी को इंतजार था कि कब कुलदीप आईपीएल के मंच पर खेलें, खुद को बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बीच साबित करें। और आखिरकार वो मौका भी आया जिसका कुलदीप और उनके परिवार को बेसब्री से इंतजार था। आईपीएल 2015 से पहले हुई क्रिकेटर्स की मेगा ऑक्शन में कुलदीप सेन को राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख रुपयों की बेस प्राइस पर खरीदा और फिर सीजन के 4th मैच में जब उन्हें पहली बार खेलने का मौका मिला तो फिर कुलदीप ने राजस्थान रॉयल्स के लिए रॉयल प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचा दिया। हमेशा नई चीज सीखने के लिए तैयार रहने वाले कुलदीप के लिए ये अच्छी बात है कि आईपीएल खेलते हुए उन्हें बड़े बड़े क्रिकेटर्स से सीखने का मौका मिल रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे क्रिकेटर्स के बीच वो खुद की जगह बना पा रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है
कि अगर कुलदीप की मेहनत रंग लाई तो कौन जाने रीवा का ये लाल भविष्य में परिवार का अगला सपना पूरा करते हुए टीम इंडिया में भी खेलता हुआ नजर आए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कॉन्ट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।